स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। नीचे आ चुका है अपार्टमेंट की बिल्डिंग के और पीछे दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सवेरा अभी हो रहा है और अभी हम जिम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास का समय होने वाला है और ये देखो भाई मस्त लाइटें तो वैसे जल रही हैं पर हाँ सवेरा भी हो रहा है तो चलते हैं। ये देखो यहाँ का मंजर, थोड़ा अभी भी स्ट्रीट लाइट्स दिख रही होंगी वैसे जलती हुई, बट हाँ सवेरा हो रहा है। और अपना यूनिफिट पहुंच चुके हैं तो चलते हैं भाई। 3-4 मिनट है अभी खुलने में क्योंकि 8 बजे खुलता है और अभी 56-57 के अराउंड हो रहा है तो खुलेगा तो फिर अंदर चले गए। तो वैसे यहाँ गेट पर टाइमिंग देख सकते हो देखो, और जिम तो खुल चुका है और अब अपना ऊपर चलते हैं और वर्कआउट करते हैं। आज वैसे अपना स्ट्रेच डे है और थोड़ा कार्डियो डे भी है तो करेंगे, और सोना भी जाना है वैसे तो बताना पड़ेगा। ट्यूसडे है तो 10 बजे तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 2 बजे के बाद यूज़ कर सकते हैं, तो एक बार पहले इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो देखो ऊपर तो आ गए भाई अपना जिम में, और जोना वाली चीज़ मैंने एक बार बताई भी है बट फिर एक बार बता देता हूँ कि ट्यूसडे को ना अपना 9 बजे से तो जोना खुलता है तो 9 से 10 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 10 से 2 फ्राउन जोना होता है, और नहीं तो 2 बजे के बाद यूज़ करो। तो बस वही है, थोड़ा पहले इन्फॉर्म करना होता तो इन्फॉर्म कर दिए। अब अपना वर्कआउट चालू करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। तो वर्कआउट और अपना स्ट्रेचिंग तो का मामला हो चुका है थोड़ा, और भाई अभी एक चीज़ देख रहे हैं ये यूनिफिट में ना आज कुछ स्टूडियो टाइप का लगा हुआ है, ज़रा दिखाते हैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ सामने कुछ स्टूडियो टाइप का बना हुआ है भाई, यहाँ पे आई थिंक फ़ोटो वगैरह कुछ खींच रही है, तो ज़रा पूछते हैं चल के और पता करते हैं और फिर बताते भी हैं। तो अपना यूनिफिट में ना जो स्टूडियो लगा था, आज ना कुछ कैंपेन चल रहा था तो उसके लिए कुछ लोगों की फ़ोटो खींच रहे थे, तो यही सिस्टम था। हमारा वर्कआउट हो गया है आज का और भाई बढ़िया जोन आ गए तो बढ़िया रिलैक्सिंग लगा, और अब रूम पे चलते हैं। तो अब चलते हैं भाई अपना, सबसे पहले तो रोड क्रॉस करके अपना अपार्टमेंट और रूम पे तो अपना आ गए। अभी थोड़ी देर में आज हमारी सेमिनार मीटिंग भी है, ऑनलाइन है तो वो अटेंड करनी है, तो देखते हैं भाई क्या पॉइंट्स उसमें पता लगते हैं। और 11 बजे आज स्केड्यूल है, आज बोला है कि एक अपडेट मीटिंग टाइप की है तो वो होगी, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वो मीटिंग अटेंड करेंगे। और अपनी मीटिंग बस 5 मिनट में चालू होने वाली है तो पहले भाई अपनी जरा सेमिनार मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो सेमिनार मीटिंग तो अपनी ख़त्म हो चुकी है, कुछ अपडेटेड पॉइंट्स पता लगे हैं और हमें शो ही करना था हमारा प्रोग्रेस कितना चल रहा है, और उसके बाद अपना थोड़ा रेस्ट करके ना अपना खाना गर्म करने में लगा दिए हैं ज़रा, और खाना खा के ना यूनिवर्सिटी चलेंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अपनी राजमा वेजिटेबल्स के साथ टॉर्टिला और स्पाइस कोर्स भी निकाल लेते हैं, तो भाई इसे निपटाते हैं, थोड़ी भूख तो लग रही है, और फिर यूनिवर्सिटी चलेंगे और फिर बात करेंगे। तो अपना रेडी तो हो गए और चलते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि थोड़ी देर में वैसे ना हालांकि कुछ काम है अपना असाइनमेंट रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी देर में प्रोजेक्ट मीटिंग भी है अपने टीममेट के साथ, तो चलते हैं और देखते हैं भाई क्या माहौल है यूनिवर्सिटी का। अरे भाई यहाँ तो बढ़िया बारिश हो रही है, वर्षा की बौछारें ठीक ठाक, तो छाता तो अपना निकाल लिया है, बारिश भाई ठीक ठाक हो रही है, कल बढ़िया स्नोफॉल दिखी और आज देखो भाई बढ़िया बारिश हो रही है, तो चलते हैं और अपना बिल्डिंग 46 में चल के बैठते हैं। तो देखो भाई अच्छी खासी हवा भी चल रही है, वैसे थोड़ा थोड़ा छाता भी हिल रहा है, पर हाँ चलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी में आई थिंक कोई पार्टी है तो उसके लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर हम अंदर चलते हैं और अपनी थोड़ी कॉफ़ी ले लेते हैं भाई। तो फाइनली कॉफ़ी लेके अपना बैठ गए, और जब आए थे तो थोड़े यहाँ लोग थे पर अब यहाँ जगह मिल गई है बैठने की, तो सोचा भाई यहीं अपना सिस्टम खोल के बैठ जाते हैं। हालांकि अब अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग है तो पहले वो अटेंड करेंगे, और अपना असाइनमेंट रिलेटेड जैसा बताया वो काम भी है तो उस पर ध्यान देते हैं। जो बीच में टेंट है ना वहाँ पर मुझे लगता है मैंने देखा कि टिकट्स मिल रही है, आई थिंक यूनिवर्सिटी में कोई पार्टी होने वाली है तो उसके लिए टिकट सेलिंग हो रही थी वहाँ पे, तो बढ़िया है जिन लोगों को पार्टी में जाना है वो टिकट ले ही रहे हैं और ले ही सकते हैं। अब हम ना भाई अपना आगे काम कर देते हैं उसके बाद बात करते हैं। फाइनली अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग तो हो चुकी है और असाइनमेंट का काम भी प्रोग्रेस में तो हुआ, अभी देखो भाई शाम का मंजर हो चुका है, जर्मन क्लास का भी समय हो रहा है तो चलते हैं क्योंकि 5:15 बजे से अपनी क्लास चालू होगी। ये देखो भाई अपनी बिल्डिंग 47 अभी भी बूंदाबांदी हो रही है वैसे, तो थोड़ी टोपी डाल लेते हैं और चलते हैं अपनी क्लास में, तो शीतल हवाएं तो चल रही हैं थोड़ी, और अब अपनी क्लास अटेंड कर लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। जर्मन क्लास ख़त्म हो चुकी है भाई, बढ़िया था अपना लेक्चर चला, अभी थोड़ा कैप वैप डालूँ क्योंकि थोड़ी ठंडी हवाएं तो चल रही है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी इस समय हो रही है। तो ये देखो भाई इस वाले रास्ते से आ जाए हैं
और अपना अपार्टमेंट की ओर चलते हैं ज़रा थोड़ा रूम पे। याद होगा ये अपना डावनपोर्ट प्लस का रास्ता और यहाँ से अपना लेफ्ट जाके अपार्टमेंट आ जाएगा और अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में तो आ गए और चलते हैं रूम पे। और अपना फाइनली रूम पे तो आ गए। बढ़िया था अपनी आज जर्मन क्लास थी, लेकिन बाहर आज वर्षा की बौछारें तो हो रही हैं और ठंडा माहौल तो थोड़ा है और थोड़ी भूख तो लग रही है वैसे। तो सोच रहे हैं अपना एक दूसरा मील करने के लिए ज़रा या तो बर्लिनर चलते हैं ठीक ठाक समय बाद और ज़रा डोनर पैक कराते हैं। और फाइनली अपना ठीक ठाक समय बाद बर्लिनर अपने डोनर शॉप में तो पहुँच गए हैं सामने। तो फाइनली शॉप में आके अपना भाई बोल तो दिए ऑर्डर के लिए अपना यहाँ पे फलाफल डोनर के लिए। फाइनली भाई अपना ऑर्डर तो पैक करा लिया अपना फलाफल डोनर और रूम पे चलते हैं और फिर इसे खाते हैं। तो फाइनली अपना रूम पे आ गए हैं। ये देखो भाई ये अभी हमारी कुछ ऐसी शक्ल दिख रही है डोनर की, तो बढ़िया है, थोड़ी भूख तो लग रही है तो भाई इसे खाते हैं। बढ़िया था आज का दिन और सुबह सुबह जो यूनिफिट में देखा, मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा भाई कि स्टूडियो वीडियो लगा हुआ है और रैंडमली जाओ, जैसे जो लोग वर्कआउट भी कर रहे थे रैंडमली जाओ और कुछ फॉर्म में वो लिखवा रहे थे और जाके अपनी फ़ोटो क्लिक करा लो। तो बढ़िया भाई अपना फ़ोटो वोटो क्लिक, आई थिंक उनका कैंपेन चल रहा था उसके रिगार्डिंग था वो और वहाँ लिखा भी था कि जिसको आना है आ जाओ, तो बढ़िया था। और उसके बाद फिर आज अपना प्रोजेक्ट मीटिंग सेमिनार मीटिंग एक दिन में हुई और जर्मन क्लास भी थी भाई अभी शाम में, तो सही था, बढ़िया था। और हालांकि अब इसे खाएंगे, थोड़ा सा असाइनमेंट पे वर्क करेंगे और फिर आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते। चलो आई होप आज का ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा और कल के नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं।